बयान में जो इनिशियली हमको जानकारी नहीं मिली थी उसी के लिए हमने ये रिमांड लिया है। हम ये सोच रहे हैं कि हो सकते हैं वो अभी तक उस तक रुके हुए, तो कंटिन्यूस ये जब तक हमारी टीम इनको पूछताछ करेगी, एक दूसरे की जो बयानों में डिस्क्रिपेंसीज होगी, कोई और नया एविडेंसेस हम उनके साथ उनको पेश करेंगे, तो हो सकता हमको फिर और इसमें कुछ जानकारी। इसी में आपको टेस्ट में पास एविडेंसेस हैं नॉर्मली, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हमको इस केस को प्रूफ करने में दिक्कत होगी। सर इसमें कितने लोग और होने का संभावना? यस, और ऐसा हो सकते हैं पर वी आर नॉट कंफर्म्ड अनलेस एंड अंटिल आई हैव एविडेंसेस, आई वोंट बी एबल टू से ऑन दैट, गिव अस सम टाइम, वी विल ब्रीफ यू ऑन इट। अक्यूज्ड तो नार्को टेस्ट कोई बड़ी इशू नहीं है, और चूंकि इस तरह के केसेस हैं, सिंस इट इज अ ब्लाइंड मर्डर, सो वी वॉन्ट टू बेसिकली डेवलप सच एविडेंसेस विच वी कैन यूज टू गेट अ कन्विक्शन। तो इसलिए नार्को टेस्ट पे हम जाएंगे, उसकी थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं, उस फॉर्मेलिटीज को वर्कअप करके वी विल बी एबल टू। सर उस मर्डर में जो सब व्हीकल्स या और कुछ वो सब लगे हैं, देखिए कई सारा इन्वेस्टिगेशन का जो चीज है, I am not able to divulge it, but yes, you can see the seriousness. My SP himself is supervising the case. I have come from all the way from Bilaspur to verify and to supervise this case. So let's be patient, and once this all is done, तो हम आपको फिर और इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारा इसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज आते हैं। कुछ ऐसा चीज होती है जो हमको और आगे कर रही है, तो वी विल बी ब्रीफिंग यू स्पेशली। हमारी टीम वहाँ पर है, जो इन्होंने इनके बयान से हमको जानकारी मिली थी उस चीजों को डेवलप करने के लिए और वो एविडेंसेस को लेने के लिए हम वहाँ पर हैं, और मुझे उम्मीद है हमारे को जो है कि हम वहाँ से वो बाकी एविडेंसेस भी ला करके हमारे केस को मजबूत करें। दोनों अपना जुर्म को कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए ये बड़ा